तो दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से कुछ नए गैजेट लेके आए हैं जो कि आप अपनी कार में इंस्टॉल करा सकते हैं अगर आपकी कार में वो चीज मिसिंग है। तो क्या मिसिंग हो सकती है भाई? जनरली होता ये है कि जब हम गाड़ी परचेस करते हैं तो ज्यादातर लोग बेस वेरिएंट परचेस करते हैं और उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज है जैसे कि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ये कंट्रोल्स जो है वो अगर आप बाहर से न्यू सिस्टम लगा लेते हो, कैमरा लगवा लेते हो, बहुत सारी चीज लगा ली, लेकिन ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिसिंग जाते हैं और ये बहुत ही काम की चीज है ये आप समझे। तो इससे एक अच्छा फील भी आता है साथ ही साथ ड्राइव करते वक्त, और इसके बहुत अलग बेनिफिट भी है। क्यों? कि आपको एक तरीके की सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है। आप कहोगे सेफ्टी कैसे? होता यह है कि जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम म्यूजिक सिस्टम को बार बार छेड़ते हैं, गाना चेंज करते हैं, तो हमारे लिए बीच में डिस्ट्रेक्शन मिलता है कि आप वॉल्यूम प्लस करने के लिए उसको बार बार आपको नोब को देखना पड़ता है, चैनल चेंज करोगे तो उसके लिए आपको म्यूजिक सिस्टम में देखना पड़ेगा, और अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो आपका डिस्ट्रेक्ट होगा माइंड। तो इससे क्या है कि आपको हो सकता है कि सेफ्टी भी यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाए कि गाड़ी हो सकता है आगे पीछे से हिट भी हो जाए। तो यहाँ पर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स अगर आपकी गाड़ी के अंदर है तो ये बेनिफिट आपको सबसे पहला ये होगा कि आप बिना किसी अपनी गर्दन को मूव किए आपकी स्टीयरिंग जो हाथ के ऊपर जो कंट्रोल दिए हुए वहीं से आप अपने सॉन्ग को चेंज कर सकते हो, मोड को चेंज कर सकते हो, कॉल पिक एंड डोर भी कर सकते हो। मतलब कि आपकी जो नजर है ना वो आपको मतलब कहीं दूर नहीं करनी पड़ेगी। जो हम फ्रंट में जगह हम लाइक हम ड्राइव कर रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिस्की रहता है अगर हमारा ध्यान कहीं इधर उधर भटकता है। तो लाइक अगर हम अपनी जो नजर है वो विंड स्क्रीन से हटा करके सिस्टम के ऊपर या फिर कहीं और लेके जाते हैं जब हमें चाहे वो सॉन्ग चेंज करना हो या फिर हमें कोई कॉल पिक करनी हो तो वहां पर ये दिक्कत आ सकती है। तो इन सब दिक्कतों से बचने के लिए ये कई बार ये सिस्टम काम आता है क्योंकि स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जब आपके हाथ में होते हैं, जब सारे कंट्रोल आपके हाथ में होते हैं तो आपकी नजर भी आपको कहीं दूर नहीं हटानी पड़ती है और आप सेफ भी रहते हैं। तो इस चीज के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। दूसरा इसका एक और फायदा भी है कि आपकी गाड़ी की जो स्टीयरिंग है उसको लुक उसकी लुक को भी इन्हांस करता है, बहुत अच्छी लुक आती है क्योंकि जिसमें भी स्टीयरिंग के अंदर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते तो स्टीयरिंग पूरा खाली सा नजर आता है, लेकिन स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लग जाने के बाद स्टीयरिंग भरा भरा लगता है और जब आपको पकड़ेंगे तो वहाँ बटन होते हैं तो एक अच्छा फील मिलता है, ड्राइव करने में आपको अच्छा लगता है। जैसे अगर मैं बताऊं साकिब तो जैसे अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। नॉर्मली जो आप अगर सपोज एक टॉप मॉडल लेते हैं तो वही सब सारी लगभग वही सब चीजें आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। जब आपका बेस मॉडल हो या बेस से ऊपर वाला हो जिसमें आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें म्यूजिक या फिर फोन कॉल की जो वॉल्यूम है वो कम या ज्यादा कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, उसके बाद आप कॉल पिक एंड ड्रॉप दोनों इसमें फैसिलिटीज आपको इसमें मिल जाती है। सेटिंग्स की जो रीसेटिंग होती है वो रीसेट आप कर सकते हैं, ट्रिप सेटिंग भी कई बार मिल जाती है। दूसरा जो आप सिस्टम चलाते हैं तो उसमें मोड्स होते हैं अलग अलग, एएम एफएम या कोई भी मोड होता है वो आप इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं, ट्रैक्स बदल सकते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें जिनके लिए आपको नजरें हटानी पड़ती हैं वो सब आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है। दोस्तों पहले ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का जो सिस्टम था बहुत ही ज्यादा रेयर था क्योंकि आपने अगर कंपनी फिटेड से आ गया तो आ गया, अदरवाइज आप आफ्टर मार्केट से नहीं लगवा सकते। लेकिन आज के दौर में क्या है कि आप इसको 70% जो भी गाड़ियां आजकल मार्केट में हिंदुस्तान के अंदर आ रही हैं उनमें आपको 70% गाड़ियों के अंदर ये स्टीयरिंग माउंटेड का आफ्टर मार्केट ट्रीटमेंट आप करवा सकते हो और प्राइस रेंज भी इसकी बहुत ही कम है आप समझे। तो इसको आप करीब 3,000 से 4,000 रुपए की रेंज में आप इसको लगवा सकते हैं और लगवाने के बाद आपको क्या फील आएगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और एक और चीज बताते हैं कि अगर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स लगवाने हैं तो आप करोलबाग में आ सकते हैं और यहाँ पर आपके पास डिजिटल कार श्रृंगार के नाम से एक शॉप है जो कि अब्दुल अजीज रोड पर मौजूद है। और अगर आपको इस डिटेल्स यहाँ पर चाहिए तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल देते हैं और साथ में आप यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं। अगर आपको अपनी गाड़ी में इस स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स को इंस्टॉल करवाना है तो आप इस नंबर पर कॉल भी कर दीजिए और पूछ लीजिए कि भैया इस हमारी गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लग जाएगा या नहीं लगेगा और उसके क्या प्राइस अवेलेबिलिटी आप जरूर पूछ के आएंगे हम आपको बोलेंगे। एक बार आप आने से पहले इनसे जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप इनके ओनर से पूछ सकते हैं, इनको फोन करके डायरेक्टली या पूछ सकते हैं कि आपके पास जो भी गाड़ी का मॉडल है जिसमें आप ये करवाना चाहते हैं उस गाड़ी के लिए उनके पास वो प्रोडक्ट है या नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये ब्लैक था तो आपकी गाड़ी में भी ऐसा लग जाएगा। हो सकता है कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग कुछ इस तरीके का भी हो, नीचे उसमें क्रोम की फिनिश आ रही हो या फिर किसी दूसरे तरीके का, तो अकॉर्डिंग टू जो मैन्युफैक्चरर आता है उसी तरीके से यहाँ पर आपको इंस्टॉल किया जाए। सपोज जैसे अभी आप दो तरह के फ्रेम देख रहे हैं, एक आप देख रहे हैं कि सिल्वर फिनिश के साथ में और ये ब्लैक फ्रेम विद क्रोम है, तो ये अलग अलग गाड़ियों के हिसाब से आपको मिल जाता है। जैसे अगर आप ब्रेजा लेते हैं या फिर आप बलिनो लेते हैं या सियाज इस तरह की गाड़ी देखते हैं तो उनमें कुछ इस तरह का आपका जो कंट्रोल्स है रिमोट कंट्रोल्स है वो लग जाता है। और अगर आप नेक्सॉन जैसे देखते हैं तो नेक्सॉन में इस तरह का आपको जो कंट्रोल्स हैं इस तरह का मिल जाएगा, तो इस तरह का पैनल जो होता है वो मिल जाएगा।
बाकी इसमें हो सकता है कि और भी लुक्स हो, डिफरेंट डिफरेंट लुक्स हो, तो आप जो नंबर जो फ्लैश हो रहा है यहाँ पर इनसे कॉन्टेक्ट करके अपनी गाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, और साथ ही साथ अगर आपको वही बोलेंगे कि अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो एसेसरीज के रिगार्डिंग, सिर्फ स्टीयरिंग मॉड्यूल कंट्रोल ही नहीं, अगर आपको कोई भी कार की एसेसरीज को परचेज करना है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको साइड से इसके बारे में बता देंगे। और अगर आपके मन में कोई भी ऐसा कुछ सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो वो भी आप हमसे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक बार फिर से कहूंगा, एक बार वीडियो को हमारी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।